भाई साहब खाना काट के आ गया ऊपर क्या आता ही मछली का ना गोश्त बना रही हूँ बाकी चूना बना रही हूँ दोनों का हाँ जी दोनों मछलियाँ निकाल दी अच्छा ग्रेवी वाला कीमा बना दे ग्रेवी वाला क्यों तो फिर क्या बना दे मैं ये आज मिर्चा वाला कीमा खा लिया मैंने खा भी देना है मुझे भूख बड़ी लगी हुई है आज तुझे किस दिन नहीं भूख लगती मुझे वो दिन बता के आज एंड में आके रेसिपी थी आज करनी होती है दिन तो करते ऐसे ही डाल दूं तेरे मुंह के अंदर ना तेरी वजह से आज खाना लेट हो गया हमारा अच्छा जरा थोड़ी पीछे कर लो हां जी पीछे ही है आ जाओ अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम
ग्रीन चिली ये के साथ ना ये कीमा बनाने की रेसिपी बनाने जा रहे हैं, बहुत ही मजे की बनती है, तो आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। तो चलें हमारे साथ देखें कि रेसिपी कैसे तैयार कर रहे हैं। हरी मिर्च वाला कीमा, हरी मिर्च का कीमा आज मैं आपको बना के दिखाती हूँ और कमाल का बनेगा कि वाकई आप इंजॉय खाएंगे और इंजॉय करेंगे। तो आज हम ये हाथ का कीमा है, मैंने हाथ से बनवाया है, 1 किलो कीमा है मेरे पास। 1 किलो कीमे की रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसके लिए एक ये बल्ब है, बड़ा बल्ब है लहसुन का, 2 इंच का ये टुकड़ा लहसुन उसका है, अदरक का 6 से 7 अदद हरी मिर्चें, क्योंकि हरी मिर्च की का कीमा बन रहा है तो इसे हमें हरी मिर्च ज़्यादा जाएगी। 3 अदद ये मैंने मीडियम साइज़ के प्याज, 2 मीडियम है और 1 थोड़ा बड़े साइज़ का प्याज ले लिया, और 4 अदद ये मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए। अब इसकी कटिंग करते हैं फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी ये 2 प्याज जो उनसे हैं ये अलग काटेंगे और जो 1 बड़ा प्याज है ये अलग काटेंगे। सर्दी बहुत ज्यादा है, चूल्हे के आगे आके ना सुकून आ जाता है। तो शाही साहब ने सब कुछ काट के मुझे दे दिया, यानी कि प्याज वगैरह। तो अब रेसिपी फिर स्टार्ट करते हैं, आ जाए। सबसे पहले हमें जो चाहिए वो देचकी हमने ले ली है। मेरे व्यूअर्स फिर कहेंगे कि देचकी क्या होती है, भाई हमारी लाहौरी जबान देचकी, हम देचकी ही कहते हैं और वही कहेंगे, हम लोग जबान नहीं चेंज कर सकते अपनी। तो सबसे पहले मैं पतीली के अंदर ये कीमा डाल लूंगी, 3 ग्लास मैं पानी के शामिल करूंगी, 2 अदद प्याज, 1 हमने बड़ी अलहदा से रखी है, 2 अदद प्याज इसमें शामिल कर लेंगे, 1 लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने कूट लिया था चट्टू के अंदर वो शामिल कर लेंगे, हस्बे जरूरत नमक शामिल करेंगे, आप लोग जितना शामिल करते हैं। मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून डाल रही हूं कीमे के हिसाब से, 1 टीस्पून हल्दी का जाएगा और 1 टीस्पून इसमें सूखे धनिए का जाएगा। मैं मसाले कम इस्तेमाल कर रही हूँ, जितने कम मसाले इस्तेमाल करेंगे उतना टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा। सुरख मिर्च नहीं मैं शामिल कर रही क्योंकि मैं हरी मिर्च का कीमा बना रही हूँ, तो इसमें सुरख मिर्च नहीं जाएगी। इसको मिक्स कर दूंगी मैं, मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूंगी और आधे घंटे के लिए इसको गलने के लिए रख देंगे। तो आधे घंटे के बाद आपसे मिलते हैं फिर। हाँ जी, आधा घंटा हो गया, ये देखें पानी इतना कम हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम साइड पे कर देंगे, यानी कि आग से उतार लेंगे। अब एक सॉस पैन लेंगे, 1/2 कप के करीब इसमें ऑयल शामिल करेंगे, आप जितना ऑयल शामिल करना चाहें उतना कर सकते हैं। ऑयल गरम हो गया, अब इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। ये जो 1 प्याज अलग कटवाया था वो है? हाँ ये वो वाला प्याज है, 2 प्याज मैंने जो थे मीडियम साइज के वो मैंने उसमें डाल दिए थोड़े, एक ये बड़ा प्याज था वो मैंने अलग से रख लिया था। इससे जो कीमा बनेगा उसका जायका बहुत मजे का बनता है। मैं जब तक
रेसिपी को 3 से 4 दफा बना ना लूं, मैं आपके साथ शेयर नहीं करती। जब रेसिपी मेरी मजे की ज्यादा बन जाती है तो मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर कर लेती हूँ। जी, कीमे के नीचे मैंने आग नहीं जलाई हुई, आग इसके नीचे बंद है, इसको सिर्फ मैंने उठा के एक साइड पे कर दी है। धुआं इतना ज्यादा है कि समझ नहीं आ रही वीडियो। सर्दियों में यही होता है कि इतना ही धुआं निकल होता है ये कि वो नजर नहीं आती, रेसिपी नजर नहीं आती। जी, प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट होगा उसमें हम लोग ये टमाटर डाल देंगे, इसको गोल्डन ब्राउन नहीं ज्यादा करना। हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, और इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जैसे ही टमाटर टेंडर होंगे फिर इसको हम छोड़ देंगे। हाँ जी, टमाटर ये देखे टेंडर हो गए हैं हमारे, अब इसको चूल्हे से उतार लेंगे और इसको कीमे को दोबारा से चूल्हे के ऊपर रखेंगे और ये मटेरियल इस कीमे के अंदर डाल देंगे। और अब इसको हमने पानी खुश होने तक पकाना है। आप इस तरीके से एक दफा कीमा ट्राई जरूर कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि वाकई कमाल का ये कीमा बनता है। इसका जायका बहुत डिफरेंट होगा इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो। अब इसको कवर कर लेंगे और पानी को खुश्क होने तक इसको पका लेंगे। ये जी शाहिद साहब के लिए फुलके भी तैयार हो रहे हैं, क्योंकि शाहिद साहब कीमा फुलके के साथ खाएंगे तो मैंने कहा चलें आज आपको फुलका भी बनाना दिखाती हूँ। इंशाल्लाह फुलका बनाने की रेसिपी मैं डालूंगी जरूर, लेकिन अभी जस्ट मैं ना फुलके बना रही हूँ। 2 परांठे ना? 10 परांठे सादी रूप पर सादे फुलके मिलेंगे। यार मेरे 2 परांठे मैंने कहा हुए मुंह पे दूंगी। अच्छा 2 परांठे मेरे? हाँ, पराठा। आगे अपना मोटापा देखा नहीं काम हुआ? चुप करके ना, चुप करके ना, फुलके खाने हैं तो खा लेना। ओ यार 4-6 फुलके बन गए हैं। गरम गरम फुलका ना तेरे मुंह पे लगा दूंगी। अच्छा इसको घी लगा दे। उसने भी मना कर दिया कि अब घी का नाम ना लेना, समझ आई? अच्छा उसमें क्या 2 रह गए? नो, कोई घी शी नहीं यार ना। अच्छा चलो एक बना दो।
एक बना दो। तुम्हें कहा है ना चुप, ये गरम है। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और इसका ढक्कन उठाते हैं। ये देखें इसका पानी खुश होना शुरू हो गया है, यानी कि अब पानी खुश होने की तरफ जा रहा है। यहाँ पे हमने इसमें क्या करना है, ये आधी चम्मच जीरा इसमें शामिल कर देंगे, आधी चम्मच ये काली मिर्च पिसी हुई, आधी चम्मच के करीब गरम मसाला मिक्स कर लेंगे। अगर हम काली मिर्च पहले शामिल करते हैं या गरम मसाला इसमें पहले से शामिल कर देंगे तो कीमे का कलर जो होता है वो थोड़ा ब्लैक की तरफ चला जाता है, यानी कि डार्क सा हो जाता है और देखने में वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं कीमा और कीमे में जो गरम मसाला और काली मिर्च है यहाँ पे इस जब पानी खुश्क होने लगता है तब डालती हूँ। और टाइमिंग भी यही बेहतर होती है क्योंकि उसकी जो खुशबू होती है ना फ्रेश, जो गरम मसाले की खुशबू वो प्रॉपर अंदर रहती है। अब यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा भून लेना कीमे को। जी इस कीमे को तकरीबन आपने 5 से 7 मिनट के लिए भूनना है अच्छी तरह। मैं यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी, अगर आप खुश्क बनाना चाह रहे हैं तो इसको ज़्यादा भून लें। यहाँ पे मैं इसमें ये धनिया, हरा धनिया शामिल कर दूँगी। हरे धनिए इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि खाने का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। कीमा जी हमारा तैयार हो गया है, इसको मैंने 5 मिनट के लिए भूना है। ये देखें इतनी ग्रेवी है इसके अंदर। अगर आप इसको ज्यादा देर पकाएंगे तो ग्रेवी खुश्क हो जाएगी, तो आप वैसे भी ज्यादा भुना हुआ भी खा सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से बहुत मजे का लगता है। आगे आप लोगों की मर्जी है, आप लोग ज्यादा ड्राई खाना चाह रहे हैं या थोड़ा ग्रेवी वाला खाना चाह रहे हैं। जी कीमा हमारा तैयार हो गया है, अब हम आपको ये शाहिद साहब खा के बताएंगे कि हमारा कीमा कैसा तैयार हुआ है। हमारा कीमा नहीं बकरे का, बकरे का यानी कि तेरा तो नहीं बकरा ही है, तू छतरा का नहीं। ये लें जी, अभी इसकी आग मैं बंद कर देती हूँ और इसको कवर कर देती हूँ। ये जी शाहिद साहब के लिए अब हम डालते हैं कीमा। ये देखें ऐसा कमाल का टेस्ट बनता है इसका कि आप वाकई इसको एक दफा खा के मुझे आपने बताना जरूर है कि कीमा किस तरह से बना है। चले शाहिद साहब टेस्ट करें आप इसको, गरम गरम फुलके के साथ गरम गरम कीमा कमाल का होता है। होली होली यही लेट जा। बहुत जबरदस्त बना, कमाल हो गई। थोड़ी जगह दे दे। बहुत ज्यादा ना कर, ना कर। कमाल बना यार। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके आपने जरूर बताना है कि इतना मजेदार कीमा आपको कैसा लगा।